Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is time for InfoPack and today's topic is about verification and validation. Let's start. First of all, what does it mean by verification and validation? Verification means to test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed. Means जिस problem के लिए design किया गया एक solution वो उसके according काम कर रहे हैं या नहीं. For example, you are asked to calculate compound interest. Then verification का क्या मतलब होगा? It is giving results for compound interest, not for plain interest. Means verification में उसको compound इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करके देना चाहिए, ना कि प्लेन इंटरेस्ट करके देना चाहिए. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय वैलिडेशन? वैलिडेशन मींस टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट. मींस जो एक सॉल्यूशन मिला वो करेक्ट है या नहीं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी बात की कंपाउंड इंटरेस्ट की. सो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम वैलिडेशन में क्या करेंगे कि वेदर इट इज फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड और नॉट. अगर करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट उसने कैलकुलेट किया देन सॉल्यूशन इज वेरीफाइड. सो इट इज वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा. फिर इसको टेस्ट डेटा के थ्रू वैलिडेट किया जाएगा. टेस्ट डेटा मीन जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल को जिसमें हमारे पास 3 गिवन नंबर्स थे और हमने लार्जर वन फाइंड आउट करना था, तो उसको हमने डिफरेंट टेस्ट डेटा देके चेक किया, टेस्ट किया. उसमें हमने डिफरेंट नंबर्स को, नेगेटिव को भी, जीरो को भी दिया, डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज भी दे के हमने चेक किया कि हर वैल्यू पे हमारा सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा. लेट्स अज्यूम दैट यू आर गोइंग टू पिज्जा शॉप. अब पिज्जा शॉप पे गए और आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया. अब पिज्जा ऑर्डर करते हुए सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं. कुछ स्पाइसी पसंद करते हैं, कुछ स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं. सो पिज्जा की रिक्वायरमेंट्स, सपोज हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि पिज्जा शुड बी लेस स्पाइसी और इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, टेस्ट गुड होना चाहिए. सो व्हेन द पिज्जा अराइव्स आप क्या करोगे? यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज अ चिकन पिज्जा और नॉट. आपने चिकन पिज्जा ऑर्डर किया तो आप पहले देखोगे चिकन पिज्जा ही है या कुछ और है. सो वेरिफिकेशन में क्या हुआ? व्हेन यू आर येट टू ईट बट आर चेकिंग ऑन फ्यू थिंग्स, आप रिव्यू कर रहे हो और डिफरेंट चीजों के थ्रू चेक कर रहे हो. और वैलिडेशन में क्या होगा कि जब प्रोडक्ट आ जाती है और फिर आप उसको देखते हो कि ये राइट है या नहीं. सो वैलिडेशन मींस व्हेन यू एक्चुअली ईट द प्रोडक्ट टू सी इफ इट इज राइट और नॉट. सो वेरिफिकेशन क्या हुआ? आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? मींस हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो राइट प्रोडक्ट बना रहे हैं. सो इसमें क्या होगा? द सॉफ्टवेयर शुड कंफर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन. एक सॉफ्टवेयर को उसकी स्पेसिफिकेशन कंफर्म करनी होती है. और वैलिडेशन में क्या होता है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? सो द सॉफ्टवेयर शुड डू व्हाट द यूजर रियली रिक्वायर. कि एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब क्या होगा कि वो यूजर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहा है. रियली जो यूजर को सॉफ्टवेयर चाहिए था उसको वही सॉफ्टवेयर दिया गया है, ना कि चेंज करके दिया गया है. सो ये वैलिडेशन होती है. हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको एक एल्गोरिदम राइट करने को बोला जाता है. अब एल्गोरिदम कैसा होना चाहिए कि वो लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजर से ले और फिर उन लिस्ट ऑफ नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवा दे. सो आफ्टर राइटिंग एल्गोरिदम आपने क्या किया? उसको सबमिट करा दिया टीचर को. नाउ योर टीचर प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू द एल्गोरिदम. आपकी टीचर क्या करेंगी? उस एल्गोरिदम को डिफरेंट नंबर्स प्रोवाइड करके चेक करेंगी. इफ योर एल्गोरिदम डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स टू द एल्गोरिदम, मीन्स अगर आपके एल्गोरिदम ने लिस्ट ऑफ नंबर्स डिस्प्ले करवा दिए तो आपका एल्गोरिदम क्या होगा? वेरीफाइड हो जाएगा. बट अगर एल्गोरिदम ने क्या किया, वो कोई आंसर करता है येस में या नो में या कोई और आंसर कर देता है, तो आपका सोल्यूशन वेरीफाइड नहीं है. सो इफ योर एल्गोरिदम इज वेरीफाइड मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन. वेरीफाइड के बाद वैलिडेशन का स्टेप आता है. सो ही और शी विल चेक वेदर द लिस्ट ऑफ नंबर डिस्प्लेड आर एक्चुअली इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट. मीन्स पहले उसने चेक किया कि लिस्ट ऑफ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं.
ठीक है, कोई और रिजल्ट तो नहीं आ रहा, मीन्स उनका जो मेन पर्पस था वो यही था कि एक लिस्ट ऑफ नंबर असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाए। वेरिफिकेशन में उन्होंने क्या चेक किया कि ये आउटपुट दे रहा है लिस्ट ऑफ नंबर्स की। अब उसने क्या करना है, अब चेक करना है कि लिस्ट ऑफ नंबर जो उसने डिस्प्ले करवाया एल्गोरिदम ने, वो अब असेंडिंग ऑर्डर में है भी या नहीं है, और उन नंबर्स में से कोई नंबर मिस तो नहीं है, कोई एलिमेंट मिस तो नहीं है। अगर कोई एलिमेंट मिस नहीं है, सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, वो वैलिडेटेड सोल्यूशन है। नाउ डिस्कस अबाउट डिफरेंस ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करने हम इनका डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, इट डजंट इन्वॉल्व कोड एग्जीक्यूशन, इसमें कोड एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व नहीं होती है। वैलिडेशन में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सेकेंड क्या हुआ, इट इज ह्यूमन बेस्ड चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, इसमें ह्यूमन बेस्ड चेकिंग होती है। लेकिन वैलिडेशन में क्या होता है, इट इज अ कोड एग्जीक्यूशन, इसमें कोड की एग्जीक्यूशन होती है। सो इट इज अ स्टैटिक प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग डॉक्यूमेंट्स, एनी डिजाइन कोड और प्रोग्राम। लेकिन वैलिडेशन क्या है, ये डायनेमिक प्रैक्टिस ऑफ वैलिडेटिंग है, टेस्टिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। होप्स स्टूडेंट्स, आपको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।